Assalamualaikum guys, this is your buddy Abhay Subhan and you are watching my channel Travel with Subhan. तो एक और नए व्लॉग में आपको करते हैं जी वेलकम। तो कैसे हैं जनाब आप सब लोग, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खुशियां बखेर रहे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में जनाब हम आपको लेके चलते हैं जी दी मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन इस्लामाबाद, शदरे वैली। शदरे वैली जो है वो इस्लामाबाद की खूबसूरत वैली है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो पिकनिक के लिए जाती है। वहाँ पे पानी होता है, एडवेंचर होता है और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। नज़दीक है यहाँ से, ऑलमोस्ट यहाँ से आपको घंटा सवा घंटा लगता है इस्लामाबाद से शदरा वैली पहुँचने में। तो ये है कि वहाँ पे बच्चों के लिए एक अच्छी पिकनिक की स्पॉट है। जो लोग दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते, वाटर स्ट्रीम्स और चश्मे जो है ना वो इन्जॉय करने नहीं जा सकते, तो वो इस्लामाबाद से नज़दीक भी एक बहुत बड़ी नेमत है इस्लामाबादियों के लिए। और यहाँ पर जो है ना वो आप अपनी पिकनिक मना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वैली में जाके आप अपनी एक अच्छी पिकनिक बना सकते हैं। वहाँ चल के आपको शदरा वैली का ओवरव्यू भी करवाएंगे और खूबसूरत वैली है, बहुत ही अच्छी है, मरगला हिल्स में है। यहाँ पर जाना कैसे है वो भी आपको बताएंगे। हार्डली यहाँ से आपको घंटा सवा घंटा लगता है और कुछ ही किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो रास्ता भी आपको गाइड करेंगे और मुकम्मल मालूमात देंगे। गर्मी के सताए हुए इस्लामाबादी और रावलपिंडी जब गर्मी लगती है उनको तो चले जाते हैं जी शदरा वैली, पानी में इंजॉय करते हैं और मज़ा करते हैं और पिकनिक करते हैं। तो हम भी जा रहे हैं जी शदरा वैली क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। स्टे कनेक्टेड। तो सामान शमान हमने अपना पिकनिक का रख लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स रख लिए हैं, चावल चावल बिरयानी शिरयानी खाएंगे, मंडेंगे, इंजॉय करेंगे, स्नैक्स वगैरह रख लिए। तो ऑल राइट जी गाइस, शदरा वैली विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सीनिक वैली लोकेटेड इन मरगला हिल्स इस्लामाबाद। ये एक छुपी हुई वैली है जिसका शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से होते हुए आपने फॉलो करना है जी मरी रोड का ट्रैक। तो मरी रोड को फॉलो करते करते आप पहुंच जाएंगे जी कश्मीर चौक में। कश्मीर चौक से आपने ले लेना है जी यहां से राइट टर्न। तो राइट टर्न लेने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे जी श्रीनगर हाईवे पर। तो इसका नाम था जी पहले कश्मीर हाईवे जो कि अब चेंज होकर श्रीनगर हाईवे हो गया है। तो यही रास्ता आपको मरी भी ले जाता है। तो ये ट्रैक को फॉलो करते करते कुछ ही देर में आपको यहाँ पर नज़र आएगा जी एनसीपी का बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स। यहाँ पे आपको इसका बोर्ड नज़र आएगा और यहाँ से आपने कर लेना है जी लेफ्ट टर्न। तो राइट आफ्टर लेफ्ट टर्न यहाँ से शुरू हो जाता है जी शदरा वैली का बहुत ही खूबसूरत और सीनिक रोड। और थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको एक और बोर्ड नजर आएगा जिस पर आपको शदरा वैली रोड की क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सीधा रोड आपको ले जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत वैली में। तो बस फिर इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करें, कुछ ही देर में मिलते हैं शदरा वैली में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी शदरा वैली में। इस्लामाबाद से अगर निकलें तो आप हार्डली आपको एक घंटा लगेगा यहां पर पहुंचने पे और बहुत ही ज़्यादा पुरसकून एरिया है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैली है यहां पे। और तकरीबन यहां से 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस्लामाबाद से यहाँ तक आने का। फैमिली के लिए एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर आप बच्चों के साथ आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप डिफरेंट किस्म की फैमिली जो है ना वो आई हुई हैं और इन्जॉय कर रही हैं। तो हम भी यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ये पार्किंग का एरिया है, गाड़ी पार्क करें और यहाँ पे इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ और क्वालिटी टाइम जो है ना यहाँ पे आप स्पेंड करें। तो हम भी यहाँ पे उतरते हैं, नीचे पानी का सीन आपको दिखाते हैं और शदरा वैली के जो खूबसूरत मनाज़िर है ना वो भी आपको दिखाते हैं। जनाब शदरा वैली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैली है, फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं और पानी में बैठ के जो है ना वो अपनी मील्स वगैरह एंजॉय कर रही हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं। आता हूँ शदरा वैली का एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये, इसको मैं आपको विजिट करवाता हूँ अंदर से। तो अभी चलते हैं जी अंदर, शदरा वैली का रेस्टोरेंट है ये, बेहतरीन किस्म का इसकी ये एंट्रेंस है। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं
और ये शाहदरा वैली का मेन खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। अंदर चल के मैं आपको इसका विजिट करवाता हूँ। तो ये इसका पार्किंग एरिया है, अंदर भी गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है ना वो शाहदरा वैली के जो रेस्टोरेंट है उसके टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। तो इसका ये टॉप है जहाँ से आप फुल व्यू जो है ना वो इसका देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शाम ढल रही है और बेहतरीन इन्वायरमेंट। ये शाहदरा वैली लिखा हुआ है जी खूबसूरत सा करके, शाहदरा वैली। तो बेहतरीन लोकेशन है जी, इस्लामाबाद से बिल्कुल नज़दीक है। अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ और यहाँ पे क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें। चलते हैं जी नीचे का एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ जनाब ये बच्चों के हवाले से एक छोटा सा प्ले जोन भी बनाया हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं स्लाइड्स वगैरह और ये पिंग वगैरह ले सकते हैं आप। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रेस्टोरेंट का मेन एरिया है और ये यहाँ पे एक हट बना हुआ है। माशाल्लाह से यहाँ बहुत ही खूबसूरत हट बना हुआ है, यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हैं, जान नमाजें बिछी हुई हैं माशाल्लाह से। बहुत ही पीसफुल वेदर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो माशाल्लाह से जनाब इतनी खूबसूरत जगह है, फैमिली के लिए बेहतरीन लोकेशन है। ऐसा लगता ही नहीं है भाई कि आप इस्लामाबाद में आए हैं, इस्लामाबाद से बिल्कुल नज़दीक तकरीबन आपको आधे घंटे बाद जो है ना ये व्यूज़ देखने को मिलेंगे। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी लेकिन अब जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे। ये जनाब इनका पानी का एरिया, पानी में अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साफ़ सुथरा पानी है, गंदा नहीं है, चलता हुआ पानी है, बच्चे जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। ये Are you enjoying? Yes. अभी जनाब इन्होंने पानी में ही चारपाइयाँ, टेबल्स और चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं ताकि आप सुकून से जो है वो पानी में अपने पांव रख के जो है ना खाना शाना इंजॉय करें और इस व्यू को इंजॉय करें। ये ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है जी बिरयानी की। आए 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 स्पाइसी बिरयानी। घर की बिरयानी खाने का जनाब अपना ही मजा है क्योंकि इसमें बोटियां ज्यादा मिलती हैं खाने को आपको ना। ये बोटी, ये बोटी, ये बोटी, ये बोटी, ये बोटी। अम्मा मिकी और बोटी चाइनी। और जी गाइस हम भी बैठ गए हैं जी यहाँ पर, अपने पाँव जो है ना पानी में लहरा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। साथ में हमने ऑर्डर की है जी एक कप चाय, 120 रुपए का आपको यहाँ पे चाय का कप मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ बैठना है और अपनी रिफ्रेशमेंट करनी है, खाना खाना है, तो इस सर्विस के आपको 500 जो है ना यहाँ पर इनको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पर कुछ ऑर्डर करना है, चाय स्नैक्स वगैरह या कुछ रिफ्रेशमेंट करनी है, तो वो उसको पे करना पड़ेगा। तो फिर उसके साथ आपको यहाँ पे 500 पे नहीं करना पड़ेगा। तो अपना खाना लाते हैं सेल्फ पे, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। इस हसीन मौसम में, इस हसीन वैली में हम पीते हैं जी चाय। हाँ, ट्रकों वाली चाय है। ये शाहदरा वैली का ब्रिज है, ये आप याद रखें। यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो हॉर्स राइडिंग भी है। और ये पॉइंट आप याद रखें, इन्होंने ट्यूबवेल की फॉर्म में एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और नहा सकते हैं। ओए ओए, मेरे ऊपर पानी आ गया। तो ये ट्यूबवेल फॉर्म में जनाब बच्चों के लिए एक बेहतरीन आया की है, यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं बच्चों के साथ। इतना गहरा नहीं है पानी, बिल्कुल इस लेवल तक है, तो बेहतरीन जो है ना आप यहाँ पे बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ऑलराइट जी गाइस, शाम का ये मंजर है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत शाम का मंजर जो है वो हो चुका है। घड़ी पे इस वक्त टाइम जो है वो हो चुके हैं जी 7:20 हो चुके हैं। तो जो क्वालिटी टाइम है ना यहाँ पर स्पेंड करने का, 4 आप यहाँ पर आएँ और 7 आप वापस चले जाएँ, तो 3 यहाँ पे आप बेहतरीन टाइम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। एक तो वेदर भी बहुत अच्छा हो जाता है, दिन के वक्त थोड़ी गर्मी होती है, और शाम के वक्त जो है ना वो आप यहाँ पर अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें। बहुत करीब है इस्लामाबाद से,
और बहुत अच्छी लोकेशन है, पीस है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क जो है वो काम नहीं करता सिवाय टेलीनॉर के। दुनिया वालों से भी जो है ना वो आपका रब्ता मुनकता हो जाता है। तो यहाँ पे आके सुकून करें शादा वैली में, और बेहतरीन टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड करें। तो शाम का मंजर आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं जी वापस इस्लामाबाद, अगला सीन आपको बताते हैं। स्टे कनेक्टेड। जी गाइस, हम आ चुके हैं जी फाइनली हॉट एंड चिली में, PWD में। और रास्ते में बहुत ज़बरदस्त राइड रही, बारिश आ गई थी और मज़ा ही आ गया जनाब बारिश में। मौसम हुआ है जी बहुत ज़्यादा रोमांचक, और यहाँ पे हम PWD में हॉट एंड चिली पे करते हैं जी डिनर। हम आ गए जनाब हॉट एंड चिली पे, मेन्यू देखते हैं जी इनका क्या मंगवाते हैं। हम मंगवाते हैं जी चिकन रेशमी कबाब कढ़ाई मंगवा लेते हैं, और साथ इनकी जो स्पेशल है दाल मखनी, ये ऑर्डर कर लेते हैं। A few moments later, देर लगा दी मेहरबान आते आते, पर तुम आए तो सही। हमने जनाब ऑर्डर किया था जी नान रोटी मंगवा लिए साथ, ये क्या है जी, ये देखते हैं। हाय हाय हाय, दाल मखनी ज़बरदस्त लग रही है, धुएँ उठ रहे हैं जनाब, ये क्या है जी। ये हमने मंगवाया है जी कबाब कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट बड़ा फिट आ रहा है। अब ट्राई करते हैं जी इनकी कबाब कढ़ाई जूसी सी। आए ये चीज, गुड, मजा आ रहा है। अच्छा तो गाइज, ये था हमारा आज तक का व्लॉग शादरा वैली का। शादरा वैली आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा से जुड़ा रहे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं जनाब किसी नए व्लॉग में, किसी नए मकाम पर, किसी नई जगह। दिस इज अवैस सुभान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।